क्रेजी और उसको सही जम रही। सब कैसा पड़ा है, कैसा खाया, कोई चक्री अपन कैफे आए हैं ना कि बाजार में। पूरी खोल लो, पूरी खा लो। वाओ कितनी सुंदर है यार ये। पहले दूध पीना, रियल डार्क वाली खानी चाहिए रोज सोने से पहले। अरे मेरे को दो ये तो दो जरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो हमारे यहाँ ना इतनी स्पेस ही है, मेरा फ़ोन चले जाता है अंदर। मेरे फ़ोन में ना चार्ज ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं चलाती हूँ शोरूम का फ़ोन। इतनी स्पेस है कि फ़ोन इसके अंदर जाता है, मिलता भी नहीं। आज बारिश इतनी हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रात भर से हो रही है और अभी भी बारिश ही है। मतलब ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट आ रहा है पानी। इतना आ रहा है कि यहाँ से घर जाए या घर से यहाँ आए तो भीग जाएंगे। मतलब बारिश जब से स्टार्ट हुई, जब से आज ऐसी बारिश हुई है थोड़ी तेज़ वाली और ज़्यादा टाइम के लिए। रात भर से हो रही है, अभी तक हो ही रही है। आज क्रेजी को रेनकोट पहनना पड़ा, कब से रखा है इसको पहना ही नहीं। सूख गया क्या, गीला ही है। कब से लिया था, आज पहली बार पहना। थोड़ा थोड़ा पानी आता ना, मैं क्रेजी को बोलती हूँ पहन के चले जाना, तो नहीं अच्छा नहीं लगता पहनना। फिर आज पहना तो मैंने खाना खा लिया, चॉकलेट खाते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा खाना अच्छा लगता है। देखो इसने कितनी ख़त्म कर दी, आधी कितनी ख़त्म कर दी। बाप रे, हिना खान पसंद है। खुली है। दीदी खाओ ना चॉकलेट। अरे खाओ, इससे गोरे होंगे। ये वो वाली नहीं है, अब खा लो। अब डाइट पे हो ना, डाइट वाली है ये। दीदी मैं भी डाइट पे हूँ। दीदी मैंने दो दिन से मोमोज नहीं खाए। दीदी मैं जिम भी जा रही, दो दिन से मैं मोमोज नहीं खाए। नहीं इतना नहीं मैं सुन पाऊंगी। तो फिलहाल हो चुकी है दोपहर, मुझे चाय पीनी है क्योंकि अभी मैं दो तीन दिन तक ही चाय पीऊँगी, उसके बाद तो नहीं पीऊँगी। आयुषी इधर सो रही है, ठंड लग रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है ना, तो एक ना एक बार तो तबीयत ख़राब होगी। और बारिश में सबसे ज़्यादा तो वोमिटिंग की दिक्कत होती है और लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा होता है। खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली पानी का। अगर पानी गंदा थोड़ा सा भी पिया तो तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्रेजी की भी बहुत दिन तक तबीयत ख़राब थी, 4 से 5 दिन तक। मतलब कुछ खाया नहीं, सिर्फ लिक्विड पिया क्रेजी ने, जूस वगैरह, नारियल पानी, बस खाना ही नहीं खाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिट हो रही थी और अजीब सा फील हो रहा था। इसलिए बाबा अभी खाने पीने का ध्यान रखो, स्पेशली पानी का। पानी अच्छा पियो, साफ पियो। मैंने दीदी को कहा है कि मुझे चाय पीनी है, चाय लेकर आओ, पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो अभी दीदी चाय लाएंगे, जब तक मैं बैठी हूँ। फ़ोन भी कब तक चला रहा है, मैं तो फ़ोन चला चला के बहुत बोर हो जाती हूँ। ये लोग चला लेते हैं पता नहीं कैसे इतनी देर, बट अकेले करूँ भी क्या, और कुछ काम भी नहीं है जो कर लूँ। मुझे खाली बैठना नहीं पसंद है, या तो फिर कुछ काम होना चाहिए या तो फिर कुछ भी, मतलब
टाइम नहीं होना चाहिए मेरे पास, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रहूँ कि मेरे पास समय ना हो किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ा सा भी काश ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत बिजी रहूँ। कई दिनों तो अभी खाना ही नहीं खाया है, कुछ केस वगैरह चल रहा है तो टाइम ही नहीं मिला आने का। मुझे बोला था तू खा ले तो मैंने खा लिया था खाना। तो हम लोग अभी जाएंगे शॉपिंग के लिए, ड्रेस लेनी है और पानी भी बंद हो गया पूरी तरीके से, कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ठंडा मौसम है। अच्छा भी लगता है ना बारिश होती है तो बाहर जाना, मतलब हल्की हल्की से बारिश में कहीं बाहर जाना। चाय मंगाई थी बट चाय इतनी ख़राब लगी कि पी नहीं मैंने, या तो फिर मैंने चाय पीना छोड़ दी इसलिए शायद मुझे अच्छा टेस्ट नहीं आया, फेंक दी। अभी हम लोग मार्केट होकर आते, क्रेजी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, दोपहर हो गई है। तो हम लोग आ चुके थे घर और फिर से रेडी होकर, क्योंकि एक फ्रेंड का आज बर्थडे है, उसने बुलाया है सेलिब्रेशन के लिए, वहाँ जाएंगे। ये भी रेडी हो गए, जबकि ये बीमार है ना, बीमार होते हुए भी हो जाती है। आयुषी को किसी ने छपरी बोल दिया, आयुषी की लैंग्वेज छपरी है। लड़की को कोई कैसे छपरी बोल सकता है, जरूर उसका टेस्ट खराब होगा भाई, मुझे तो पता चल गया। छपरी जैसे बोलती हो आप ही बता, दिन भर से यही बोल रही है, उसको छपरी किसने बोला? आयुषी छपरी है बच्चा? हाँ, छोकरेज ने भी हाँ बोला, छपरी नंबर टू उनने बोला, स्टैंड अप तो छपरी है तो तू है। अभी तूने क्या बोला कि उसका टेस्ट खराब होगा, व्हाट यू मीन टेस्ट? समझदार के लिए कोई ना छपरी, समझदार के लिए सारा काफी है। हां, समझदार के लिए सारा काफी है। ये मेरी लैंग्वेज है कि मेरे चार्जर सही से, ये मेरी लैंग्वेज है, आप नहीं समझ सकते समझे? तो वही तो तेरी छपरी लैंग्वेज है, यही तो बोलना चाह रहे हैं कि मेरी लैंग्वेज है, आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते छपरी लैंग्वेज। इसके लिए दिमाग चाहिए, छपरी हो छपरी आप, इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए गंदा दिमाग चाहिए। मेरी बातें सिर्फ मेरे जैसा दिमाग वाला समझ सकता है, छपरी दिमाग वाला नहीं समझ सकता, जैसे कि आप समझ जाते हो। मैं समझ जाते हो, चल रही अब हम लोग उनका वेट करते, वो आ जाए फिर जाएंगे। शी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। हम लोग आए हैं पहले तो कैफे सीट, लेकिन आराम से नहीं टूटेगा, मुझे भी इससे बैठने में डर लगता है यार, टूट ना जाए। अच्छा से कस के ना पीछे, डर लग रहा है। कहाँ बैठे? इधर बैठे। बैठ, क्रेजी की पोजीशन देखो क्या है। अपन कैफे आए हैं ना कि बाजार में। गोल्ड नहीं है ये रही। तो ये मेरे को दे देना। कोई अच्छा सही बताना, कैसी लग रही? अच्छी लग रही, मस्त घंटड़ है। अच्छी है ये भी, मुझे गिफ्ट मिला। अच्छा आज अच्छा है।
है मेरी भी तले तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार। थोड़ा सा डांस हो जाए, खाना पीना तो हो गया। बहुत डर लगता है यार, सोचती हूँ ऐसा ना हो कि नीचे चले जाओ और मैं भी नीचे चली जाऊँ। बचता बस सॉन्ग की कमी हो गई। चलो चलो गाना लग गया, चलो आ जाओ। ये लो ओए चलो। सब कैसा पड़ा है, कैसा खाया? चलो पास मेरे प्यार का नशा कभी तेरा प्यार 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 बड्डे गर्ल को कैमरा चल। यही तमन्ना मेरी तेरे लिए हुआ जो दिलार बजे दिल में सितार तेरा हुस्न में दार जैसे चलता सिंगा। हो गया तबीयत खराब ना। इन लोगों का चल रहा है शूट क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया, मतलब रात के 11 बज गए हैं, तो हमारे खरगोन में अलाउड नहीं है और म्यूज़िक चलेंगे तो फिर आवाज़ आ जाएगी, इसलिए म्यूज़िक बंद कर दिया भैया वगैरह ने। इधर चल रहा है बर्थडे गर्ल का शूट। बलून कहाँ जा रहे, फूट गया अपने आप ही फूट गया। लेट हो गया ना, मेरे को लगता है यहाँ कर लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आओ जल्दी जल्दी आओ। चलो 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 चलो। बर्थडे टू यू, सब मेरे ऊपर आ रहा। अच्छा इतना बड़ा चाकू मिला। अरे कैंडल है इसमें, एक बस एक वो है उससे जल सकता है, एक से जल जाता नहीं जलेगा। अरे यार भैया इम्पॉसिबल है, वैन दो रख दो नहीं जलेगी वो, एक से जलनी नहीं है। चल चल शानू गुड शानू मत यार दीदी दीदी। अरे आदि वो खा लेंगे और क्या। तो ये हमारी एंजल दीदी है,
बोल दिया वो हाय हेटी बोल रहा था आई लव यू टू बोल दिया कोई बात नहीं आई लव रोज केक पैक कर दो बाप रे कितनी उड़ रही कप केक में यही भरा दी तू अरे डिक्की खराब होगी शाम को बैठना दो मिनट तक इसको बाहर कर लेते बाकी डिक्की साफ कर लेना पड़ेगा अरे क्या देखना चाहता क्या नहीं ओ भाई जाना हो गया बर्थडे सेलिब्रेट बस हो गया बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया जाओ चलो जाओ जाओ आप भी जाओ फिर लुगाई को लेके जाओ जाना भाई अरे यार इसका वीडियो बना बट इसको वाला सोना कपल अलग नहीं मान रहे अरे यार क्रेजी और उसकी सही जम रही क्या तुम दोनों सही लग रहे हो साथ में देखो अभी स्टेप कर रहा मेरे जैसे कदम आगे बढ़ा रहा मैं क्या काट कर ले मैं चलो चलो ठीक है पहुंच के कॉल कर देना याद से आराम से जाना हैप्पी बर्थडे थैंक यू बाय चलो बाय चलो तो हम लोग आ चुके हैं घर और हमारे पास गाड़ी तो है ही नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी गई है गैरेज पे बहुत नाटक कर रही थी वो इसलिए उसको गैरेज पे रखा है थोड़ा खाना पीना करेगी फिर सही रहेगी इसलिए अब हम लोग जाएंगे पैदल और कल क्रेजी को बैंक भी जाना है पैदल है ना नहीं आयशी आ जाएगी आयशी आ जाएगी बाप रे क्या डोगे क्यों मिल रहा मैं कैसा कर रहा था वो हाँ कितना नाच रहा था उसने पहले देख लिया था नाच कर अच्छा इसलिए कॉपी कर रहा था कॉपी कर रहा था कि देखो हमारे यहाँ लॉक लग गया था हमने आयुषी को बुलाया आधी दूर पैदल आया उसके रूम पे जाएंगे चलो नहीं खुला हमारा खुला नहीं कि हमको चाबी दी हुई है पर हम चाबी भूल गए चाबी नहीं मतलब लेकर गए सिर्फ फोन ही लेकर गए थे अबे ना याद रखना है इनका परेशान किया 12 बजे परेशान है उसको आना पड़ेगा उसको आना पड़ेगा कहीं तो कोई और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे लेके ही नहीं गए थे